एवरीवन, नए व्लॉग में आपका बहुत खुले दिल से वेलकम है। खुले दिल से इसलिए क्योंकि अभी कॉलेज में हेल्थ कैंप हुआ था, उसमें आपके भाई का ब्लड प्रेशर एकदम नॉर्मल आया है। और अभी तो मैं अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, वो आने वाला है। प्रगति विधान मेट्रो स्टेशन के सामने हूँ मैं और पीछे सुप्रीम कोर्ट है मेरे, तो अभी आने वाला है वो। और आज हम चांदनी चौक जाएंगे, आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, चांदनी चौक जाएंगे अभी हम और उसको एक्सप्लोर करेंगे। ये सारी चांदनी चौक जा रही हैं, ये है एक तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और ये कौन सी है, ये कमला मार्केट की 4573 नंबर। अगर आप मतलब कार से नहीं आ सकते या मेट्रो से नहीं आ सकते ना, तो इस बस से आ सकते हो आप। जो भी यहाँ पे बस से आ रहे हो ना, टिकट लेना याद रखना, क्योंकि बिना टिकट के पकड़ लेते हैं ना, 5-10 रुपए की आती है यार। और जो पकड़ लिया बिना टिकट के, फिर तुम्हें अपने भाई की बात याद आएगी, बेइज्जती अलग होगी, सीन अलग होगा, पक्का ले लेना टिकट अभी तक ये। अबे कहाँ पे है? अच्छा आ गया, ओए डरा जाओ, ओए ये दरियागंज वाली रोड है, आप यहाँ से भी आ सकते हो, ये वैसे बेस्ट रोड है आने की, यहीं से आ सकते हो। ना आपका ना बहुत अर्ली मॉर्निंग लग जाता है, मतलब बहुत सुबह सुबह, अगर आपको ना अगर टाइम ना हो आपके पास बाद में, और आपको अपने वीकेंड को एंजॉय करना हो, तो मतलब आप सुबह सुबह भी आके ना यहाँ पे परचेजिंग कर सकते हो। आप 5 बजे से भी आ सकते हो, आप 5 बजे सुबह 5 बजे लग जाता है मार्केट। गाड़ी ना टो हो रही है, अगर आप गलत जगह पार्किंग में नहीं पार्क करोगे ना, ऐसी जगह पार्क करोगे तो गाड़ी ऐसे टो हो जाएगी। ये देखो इसको टो करके ले जा रहे, पता नहीं मालिक कहाँ है और गाड़ी जा रही है, वो देखो ऊपर चढ़ गया। आपको सारे वेट इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे डंबल्स भी है, रॉड्स भी और प्लेट्स भी मिल जाएंगी यहाँ पे आपको सारी। एक बार पूरी शॉप दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो। इसका कितना प्राइस है? ये 500 रुपए का जोड़ा पड़ेगा। 500 रुपए का जोड़ा, ये कितने? 3 किलो का एक है। 3 किलो का एक है, 70 रुपए किलो के हिसाब से दे रहे हो? 75 रुपए किलो। अभी 75 रुपए किलो, और डिस्काउंट कितना कर दोगे अंकल? इससे कम नहीं। 60 में देख लो, 60 में लगाते हो तो? नहीं जी, इससे कम नहीं होगा। और ये प्लेट कितने की दे रहे हो आप? और दो वाली प्लेट इनका बना, ये 22 रुपए किलो। और ये रॉड कितने की होती है? रॉड अलग अलग रेट की है, 500 की भी है, 400 की भी, 700 की भी, 600 की भी, 100 रुपए। स्कीपिंग रोप 100 रुपए, तो स्कीपिंग रोप 100 रुपए की है यहाँ पे। अच्छा, और अब मेरा वेट इक्विपमेंट जैसा आपने देखा, ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंसिव तो नहीं है। अगर आप ऑनलाइन भी लाओगे, ऑनलाइन डिस्काउंट के बाद भी आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलेंगे, तो मैं प्रेफर करता हूँ आप यहाँ पे वेट इक्विपमेंट। और 75 रुपए किलो, 75 रुपए किलो तो यार बहुत चीज है। मैं तो पिछली बार एक बार मैं 100 रुपए किलो भी लेके गया हूँ, तो ऑनलाइन वाले तो क्या नाम बेकार माल देते हैं, ऑनलाइन वालों को बेकार माल देते हैं, तो कह रहे हैं। थैंक यू। अच्छा थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, वेट इक्विपमेंट्स यहाँ पे बहुत सस्ते मिल जाते हैं। और आओ शूज को देखते हैं, और मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। पे ना जब आप आओ, पार्किंग में ही पार्क करना यार गाड़ी। अगर आपने ऐसी जगह कहीं खड़ी कर दी, देखो जैसे भी टो हो गई थी वैसे टो हो जाएगी, या फिर चोर बाजार क्यों कहते हैं, चोर बाजार इसलिए कहते हैं, कभी आप आओगे हो सकता है आपकी गाड़ी के रिमी निकाल ली है, और आपको ये आगे जाके खरीदने पड़े हो। यहाँ पे आपको लेदर के शूज मिल सकते हैं, आप कोई से भी लेदर शूज ले सकते हो, कॉलर वाले और चैन। अंकल ये शूज कितने का है? 500 रुपए की सेल है। मतलब देखो लेदर क्वालिटी भी ना बहुत अच्छी है, लेदर क्वालिटी भी बहुत अच्छी है आपके लिए, मतलब कुछ सही है, बहुत लंबा चलेगा ये। अंकल ये भी 500 का ही है। देखो आपको अगर फैशन के लिए आपको पहनने हो, तो आप ये भी ले सकते हैं, कॉलर वाले थोड़ा। और अंकल ये वाला देख, ये वाला शूज भी अच्छा है, पर इतना बड़ा पाँव किसका है, इतना बड़ा थोड़ी ना है। और
13 साइज है इतना बड़ा तो कल आप मतलब हर संडे संडे लगाते हो और कहीं भी लगाते हो? संडे संडे लगता है। कितने बजे लगाते थे अंकल सुबह? सुबह 7 बजे। बताओ ये लेदर के शूज की आप सुबह 7 बजे भी खरीद सकते हो? सुबह 7 बजे अगर आपको कहीं वीकेंड एंजॉय करना हो तो आप कहीं और भी जाने का मन है, आप सुबह सुबह आ सकते हो और खरीद सकते हो यहाँ से। ये यार यहाँ पे ये भी है, जैकेट नहीं लेनी यार, जैकेट का साइज भी बड़ा है यार इनका, बहुत ज्यादा साइज बड़ा है इनका, साइज बड़ा है ना इसका यार, बड़ी आ रही है। अबे ये तो जादू वाली है, ये जादू पहनता है जो ना। आपको बुक्स भी बहुत सारी मिलेंगी, आप तो यहाँ से खरीद भी सकते हो और यहाँ पे सेल भी सकते हो। आओ एक को देखते हैं, इसकी बुक देखते हैं। ये देखो CBSE की यहाँ पे बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, और फिजिक्स केमिस्ट्री सारी मिल जाएंगी। पर यार हमारा तो पढ़ाई पर हमारा तो दूर दूर तक वास्ता नहीं है यार पढ़ाई से, छोड़ना हम यहाँ क्या कर रहे हैं। जो है ना यहाँ पे बहुत बढ़िया, आप देखो कहाँ तक जा रही है, और मेरे पीछे से भी देखो कहाँ से आ रही है और कहाँ तक जा रही है, वो देखो। में सॉक्स भी बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे क्लोथिंग अपैरल तो बहुत सारे हैं ही, और देखो सॉक्स की भी देखो अच्छी मार्केट है यहाँ पे, और देखो कहाँ तक है। देखो यहाँ पे आपको लड़कियों की सॉक्स भी मिल जाएंगी, और सारी सॉक्स सॉक्स की तो बहुत सी वैरायटी है यहाँ। और 100 रुपए की 6 जोड़ी, बताओ इतना सस्ता कहाँ लोगे तुम? और वो देखो वो सारी सेल में है। वो देखो सबसे ऊपर वाली जो है वो 150 की दो है, और नीचे वाली 100 की तीन है, 100 की तीन है, 3 जोड़े। और ये सबसे नीचे वाली लोफर सॉक्स है, लोफर सॉक्स ये कितने की है? 100 के तीन है ये। तो आप रेड दरियागंज की रेड लाइट है ये दरियागंज की रेड लाइट है। और देखो बाइक टो हो रही है, बाइक टो होके जा रही है बाइक और स्कूटी। देखो मतलब कि गाड़ी नहीं, अगर आप बाइक भी गलत जगह खड़ी कर दोगे ना तो बाइक भी आपकी टो हो सकती है। और जो सबसे जेनुइन मार्केट जो होती है ना, और मतलब बढ़िया वाली जहाँ से मतलब विंडो शॉपिंग सबसे अच्छी होती है, वो देख के सामने शुरू होती है। वो देखो यहाँ से आओ उसको एक्सप्लोर करते हैं। अरे ऑटो में लोगों को पकड़ पकड़ के ले जा रहे हो ऑटो में, देखो खींचतान कैसे हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना यार वो देखो 100 रुपए के चक्कर में। अब चलो हम असली मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं। ये देखो यहाँ से शुरू होती है एक कॉपी शूज की, यहाँ पे एडिडास और भी कई सारे ब्रांड्स मिल सकते हैं आपको, रीबॉक प्यूमा है। ये देखो इधर प्यूमा भी है। और आओ आना अंदर चलते हैं। और देखो ये देखो यहाँ पे वुडलैंड रेड चीफ के शूज मिलेंगे, आओ इनसे प्राइस पता करते हैं। भाई वुडलैंड का शूज है, आप पूछिए उनसे कितने का है, पूछिए भाई कितने का है ये। इतना महंगा तो नहीं आता यार ये, 1000 रुपए। 1000 रुपए बोल रहे हैं, बताओ 1100 रुपए का शूज, 1000 रुपए, 100 रुपए का ये 4000 का शू है, 1000 में दे रहे हो भैया? 300 में दे सकते हो तो बताओ फिर मैं लूं। मिल जाएगा 300 में? 800 में नहीं जा भैया, 300 में देखो 350 दे सकता हूँ मैं, इससे ऊपर नहीं दे सकता इसके। 600 रुपए नहीं भैया, रहने दो फिर, 350 भैया लास्ट। अच्छा लाओ दो, एक और दे दो इसका, ले लो दे दो, ऐसे ही दे दो बस, ले ले। बताओ 500 में दो शूज ही खरीदे हैं, 500 में खरीद लिए, बताओ 500 में खरीद लिए कहाँ, वो 5000 बोल रहे थे। तो यहाँ पे ना नेगोशिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सीधा 10% वो मिल जाएगा आपको, 90% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी मैं उसको अगर 200 भी बोलता ना वो 200 में ही मान जाता, उसकी तो पूरी भरमार है यार यहाँ पे। देखो मैं और दिखाता हूँ आपको, ओ यार देखो लेडीज शूज के लिए देखो लॉन्ग शूज भी यहाँ पे देखो कितने सारे मिल जाएंगे आपको, ये देखो। और देखो हील्स भी मिल जाएंगी आपको। वैसे ना ये मतलब कई सारे शूज ना यहाँ पे देखने में अच्छे नहीं लगते, पर जब आप वहाँ जाओगे ना, ये ना मतलब ना पुराना माल है, ये पुराना माल है, और पुराना माल अगर आपको चाहिए वो तो ले सकते हैं, बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, 100-150 रुपए में। लेकिन इसमें ना आपको कई चीजें और देखने की भी वो होती है, जैसे
आप सोच रहे होगे ये पुराना माल है, पर ये पुराना माल नहीं है, ये नया माल है, बस गंदा हो रहा है ये। पर ना एक मैं बात बताता हूँ, अगर आपको ये प्राइस कम ना करे ना तो आपको इसमें वो मतलब ये बता दो कि यार इसमें तो ये डिफेक्ट है, इसमें वो डिफेक्ट है। जैसे मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, देखो ये देखो इसका प्राइस, अभी इन भैया ने मुझे 5,000 रुपये कोट किया है, जितना उन्होंने वुडलैंड वालों ने किया था उतना ही इन्होंने भी कोट किया है। पर ना आप देखो, मैं इसमें आपको डिटेलिंग दिखाता हूँ, ये देखो इधर फोकस कर, ये देखो जैसे यहाँ से ये डैमेज है, ठीक है, यहाँ से डैमेज है, और ये भी बोल सकते हो कि भैया इतना गंदा तो हो रहा है शूज आ रही है, और यहाँ से भी ये डैमेज है। तो ना अगर जितने आप इनको डैमेज कर बताओगे ना, उतने ये चाहे तो सेल में भी हो, सेल से भी कम रेट में मिल जाएगा, 100 रुपये की सेल आना है 40 में मिल जाएगा, मैं खुद लेके गया हूँ, मुझे पता है इधर का। और क्या शूज़ है यहाँ पे, अब और शूज़ देखते हैं, जैसे ये रहा कहाँ, और देखो शू को मेंटेन भी करके रखते हैं, जैसे शूज़ देखो कई सारे तो दब जाते हैं इसके बीच में, ये सब भी डाल के रखते हैं जिससे शू की क्वालिटी एकदम। आप A1 कॉपी मिल जाएगी यहाँ पे, A1 कॉपी है ना, हाँ देखो इसमें A1 कॉपी का ना पता कैसे चलता है, जैसे रीबॉक है, रीबॉक का ना मतलब ब्रांड देख के पता चल जाता है। और अगर आप जैसे इसका वो देखो, सोल देखो, सोल मैंने जितने रीबॉक के शूज देखे उनमें तो कोई सोल ऐसा नहीं होता, तो ये जो ये कॉपी है बहुत ज्यादा ना बेकार हालत में ये। और हाँ ये देखो, जैसे इसको पकड़िए एक बार, ये देखो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखो एडिडास जो है, एडिडास के शू में बहुत डिटेलिंग होती है यार, इसलिए वो एक्सपेंसिव होते हैं। और ये देख लो आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो ये कोई डिटेलिंग नहीं है, ये नकली है, ये एक कॉपी भी नहीं है, ये बस लोगों को चिपकाने के लिए है। इक्विपमेंट के अलावा ना आपको ना यहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी मिल सकते हैं, ये देखो यहाँ पे एडिडास की बॉल भी मिल सकती है आपको, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखो एडिडास की बॉल है, और इसको थोड़ा घुमाना, पर ये जो है ये भी इतनी साफ नहीं है, इसकी बॉल नहीं मिल जाएगी, पर ये जो है ना ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ये देखो एडिडास देखो कैसे लिखा हुआ है, ये देखो गलत फेड हो रहा है ना ए और एस का, तो ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल के लिए मतलब हर डिटेलिंग देखनी जरूरी है, और ना यार देख लेना डिटेलिंग, क्योंकि पैसे खर्च कर रहे हो यार, सस्ती तो है ना, ये लो कॉस्को का कहाँ है यार, एसजी का है, लोगों को गलत को क्यों उतार है। पर देखो इसमें लिखा है कश्मीर विलो लिखा हुआ है इस पे, वो एक क्रिकेट खेले इधर ही खेलेगा यहाँ पे देखो आपको लेदर शूज भी बहुत अच्छे नंबर में मिल जाएंगे। और ये देखो ये सारी 300 रुपए वाली सेल है, पर इसमें कोई आपको पार्टी वियर शू, पर इसमें कोई ब्रांडेड शू नहीं मिलेगा। नहीं एक सेकंड, एक है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे नाइकी का शू है, ठीक है, पर देखते हैं ये ओरिजिनल है कि नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है। ये देखो इसके सोल पे देखो क्या लिखा हुआ है, PAD पैड, तो पैड तो किसी भी नाइकी के शू पे नहीं लिखा होता, मतलब कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है। ये ना नया शूज आया देखो, स्टिचिंग और ना ये बहुत कम लोगों पे है, और ना ये मैंने आज बहुत दिनों में बहुत पहले से ढूंढ रहा हूँ, क्या वो एलेक्स सब जगह पे ढूंढा मैंने, फ्लिपकार्ट अमेजोन सब जगह ढूंढा, पर ये पता है शूज यहाँ पर है, सब मिलेगा यार यहाँ पे, जो बाहर नहीं मिलेगा वो यही तो मिलेगा। ये जो है ना ये है ओरिजिनल शूज, क्योंकि सिर्फ टैग पे मत जाना, टैग तो इसका अच्छा है, और सोल पे देखो एडिडास लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी देखो अंदर से इसको चेक करते हैं, अल्फा बाउंस, और अल्फा बाउंस जो है एडिडास का ना ब्रांड है, मुझे पता है, तो ये ओरिजिनल देखो डिटेलिंग भी इसमें एकदम सही हो रखी है, डिटेलिंग भी इसकी सही है, तो ये जो है ये ओरिजिनल शू है। लोगो भी दिखा दे, लोगो ये देख लो आप, ये एडिडास का, ठीक है, और ये रहा लोगो, बारकोड, बारकोड भी है ना, हाँ बारकोड भी तो है, हाँ ये रहा देखो बारकोड, इसको आप स्कैन कर लो अभी चाहो तो, आप इसको अपने वीडियो से स्कैन कर सकते हो। एयर मैक्स 2016 मतलब इस साल का मॉडल है ये, और इन शूज में मॉडल से फर्क पड़ता है, ठीक है, और उसको देखते हैं इसकी डिटेलिंग चेक करते हैं, हाँ ठीक है, सोल में है पास, ठीक है, और देखो अंदर भी इसके अंदर ये टैग्स छुपा हुआ है, टैग छपा हुआ है इसमें, इससे बहुत फर्क पड़ता है, इससे आप ये भी पता लगा सकते हो कि ओरिजिनल है या नहीं, और ओरिजिनल शू यार अलग ही दिखता है यार, जो आप अगर इतने महंगे खर्च करें ना, अभी इनसे इनका प्राइस पूछते हैं, ये देखो मेरा ना, ये देखो 2000 का, 2000 का, पर अगर कोई बात है डिस्काउंट करवाओगे तो यार, पर ये लोग ज़्यादा उससे नहीं आते, जो कि ब्रांड देते हैं ना वो ज़्यादा
डिस्काउंट नहीं करते क्योंकि हाँ ये 2000 है, 10000 है, 1400 में आ जाएंगे, 1300 में आ जाएंगे, इससे नीचे कोई नहीं आएगा। चप्पल एडिडास की और भी एडिडास की न्यू फैशन। और ये देखते हैं ये ओरिजिनल है या नहीं, इसको हम चेक करते हैं। ये भाई ओरिजिनल नहीं है क्योंकि एडिडास के जो चप्पलें हैं उनका सोल ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अगर आप चोर बाजार में आओ ना, पहले मना कर दिया वीडियो बनाने के लिए इन चप्पलों की। यहाँ पे ना आगे से ज्यादा ना शॉपकीपर्स को ना बहुत ना इनसिक्योरिटी फील हो रही है क्योंकि उनको लग रहा है यार ये जो है बोल रहे हैं कि यार तुम्हारा ठिया बंद करवाएगा, तो इसलिए चलो उनसे पूछ के ही मैं वो कर रहा हूँ यार, इनकी विरोधी है यार, इनका क्यों खराब करूँगा। देखो जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, देखो कितनी बड़ी मार्केट है। ये देखो वेट इक्विपमेंट भी है और जूते भी है, कपड़े भी हैं, और भीड़ देखो कितनी सारी है यहाँ पे। यहाँ आप किसी भी दिन आ जाओ, किसी भी दिन भीड़ ना इतनी ही मिलेगी, कभी भी रश कम नहीं होता यहाँ पे ना। देखो जैसे कुछ लोग आपको रोड पे लगा के भी मिलेंगे, और ये ना शूज सस्ते बेचते हैं क्योंकि यहाँ से ना पुलिस इनको कभी भी आके हटवा देती है, इनको डर लगता है। और जो वहाँ पे जो फुटपाथ पे उनका कोई वो इशू नहीं है, पर इनको डर लगता है। तो आप अगर इनसे लोगे ना, ये ना एकदम कम कर देते हैं। और जैसे पुलिस वाले आ रहे होते हैं ना, पुलिस वाले इनको हटाने आ रहे होते हैं, हम उठाते हैं और भाग लेते हैं। अब हाँ अपना ताम जाम उठाते हैं और भाग लेते हैं जैसे ही पुलिस वाले आते हैं। स्पोर्ट्स शूज है, स्पोर्ट्स शूज। अबे स्पोर्ट्स शूज नहीं है गवार, तेरे को पता नहीं है। अबे ये वो अबे स्टड्स है ये देखो, यहाँ पे स्टड्स भी मिल जाएंगे आपको, और इसकी कॉस्ट भी ना ज्यादा नहीं है। कॉस्ट पूछिए इसकी कितनी है भाई? 2000 का ये शू। और ये जो है ना, ये जहाँ तक ज्यादा कम नहीं कर रहा है, पर देखते हैं। हाँ यार ओरिजिनल तो है, एक सेकंड इसके अंदर से तो वो देखते हैं, टैग देखते हैं। नहीं ओरिजिनल है भाई, ओरिजिनल नहीं है भाई, ओरिजिनल है। हाँ 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 है टैग, ये देखो टैग है इसमें, ये ओरिजिनल शू है, रख दे वापस। प्यूमा का ब्रांड अगर आपको पसंद नहीं है, आप यहाँ से एडिडास का भी खरीद सकते हो। ये देखो ये ओरिजिनल शर्ट है, देखो नीचे भी इसमें सोल में लगा हुआ है, और अंदर चेक करते हैं, ये देखो अंदर भी है इसमें, और यहाँ पे पूरा नहीं है भाई, नहीं है, ओरिजिनल नहीं है ये, देख अंदर नहीं है, अंदर एडिडास पूरा नहीं छपा हुआ, लोकल है यार ये। चल रख दे, ये लोग मांगता हूँ शॉपकीपर से, देखो कैसे देखा मेरे को भाई। नाइकी है वे, नाइफ नहीं है, नाइकी है वो। नाइस नहीं बोल रहा हूँ, नाइफ बोल रहा हूँ, पर ये ओरिजिनल नहीं है, ओरिजिनल है ही नहीं है। रुकियो, मेड इन इंडिया है, पर रुके सेकंड, अगर इंडियन मेड है तब भी नंबर तो होंगे इसमें, यूके यूरोप इसका। रुक मैं बताता हूँ, नहीं ये ओरिजिनल नहीं है क्योंकि जिस तरह से इसकी स्टिचिंग हो रखी है, देखो सोल जिस तरह से चिपका रखा है इसका, देखो इसकी क्वालिटी देख लो, डिटेलिंग इसमें है ही नहीं। ये देखो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा हो तो, ये देखो ये ओरिजिनल नहीं है, वापस कर दे भाई। कि आप जैसे सुबह सुबह आओ तो सुबह सुबह ये प्राइस कम ना करें, क्योंकि ये कहते हैं कि यार बोनी तो होने दो। बोनी का आप में से कईयों को मतलब नहीं पता होगा, बोनी का मतलब होता है फर्स्ट सेल इन द मॉर्निंग, सुबह की सबसे पहली सेल, क्योंकि इनका ये मानना है कि यार अगर सुबह सस्ती बेचती तो पूरा दिन सस्ती सस्ती बेचेंगे और महंगा नहीं बिकेगा, सेल्स नहीं होगी आज, तो इसलिए सुबह सबसे पहला प्रोडक्ट तो ये अपना महंगा ही बेचते हैं। उसके बाद आप चाहे जमीन से आसमान ले जाओ, आसमान से जमीन ले जाओ, इतना कम कर सकते हैं। ये देखो मेरे आसपास कितना क्राउड है, ये देखो इधर जूते हैं और देखो इधर कपड़े हैं, कितना क्राउड है इधर, है ना? तो यार बच बच के चलना कहीं ऐसा ना हो हाथ वाथ लग के मुंह पे पड़ रहे हैं, यहाँ पड़ रहे हैं, वो पड़ रहे हैं, ये फोन भी बड़ी मुश्किल से पकड़ा है यार मैंने। ये देखो यहाँ पे वॉलेट्स भी बहुत सारे मिलेंगे, देखो फरारी गए यहाँ पे, और वुडलैंड के भी हैं और प्यूमा के भी हैं, पर और देखो वॉचेस भी इतनी सारी है, पर अगर जैसे आपने यहाँ पे शूज और वॉलेट्स, शूज नहीं मतलब वॉलेट्स और जो वॉचेस होती हैं वो बहुत महंगी मिलती है। अगर आपने मेरा गफार मार्केट वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता चलेगा, वहाँ तो बहुत सस्ती मिल जाती है, और यहाँ पे यार उधर से ही आती है, तो अब जितने में ला रहे उतने बेचेंगे तो खाएंगे क्या, तो यहाँ पे ना महंगी मिलेगी आपको वॉचेस और वॉलेट्स भी। शू मार्केट खत्म हो गई, क्लोथिंग अपैरल्स की मार्केट शुरू हो गई। ये देखो चारों तरफ, ये देखो जीन्स कितने सारी है, जीन्स का प्राइस पूछते हैं, पूछियो भाई। 300 रुपये कितनी? 300 रुपये की सेल है, पर यार अच्छी नहीं लग रही है, कैसा प्रिंट है, कोई अच्छी लग रही है जीन्स, पर कई लोगों को जिनको अच्छी लगती है वो ले लो यहाँ से आके। यार चल रहे हैं कपड़े आपको हर जगह, कपड़े मतलब आपको जो भी फैशनेबल कपड़े हैं ना वो कपड़े मिल सकते हैं आपको यहाँ पे देखो बहुत सी सेल्स है, पर ज़्यादातर ना यहाँ पे आपको सेल पे ही मिलेंगे, जैसे 100 रुपये की सेल, 200 रुपये की सेल, 300 तो जीन्स की है, और भी बहुत सारे हैं, पर यहाँ पे शूज़ जो है सारे वहीं पे नहीं थे, यहाँ पे भी थोड़े बहुत मिल जाएंगे आपको। देखो पर यहाँ पे सारे ब्रांडेड वाले ही हैं, देखो शूज़, और पीछे मेरे विंटर वेयर भी है, सर्दियों की जैकेट्स आ गई इधर, और क्या है,
और हाँ हमारे ऊपर भी है, हमारे ऊपर भी है देखो 250 की सेल वाली है। 250 यार जल्दी चलो, ये बच्चे भी ना साइकिल गया ये। साइकिल को शादी बताओ। अबे यहाँ के लिए साइकिल, साइकिल फंसा रोड जाम कर रहा है सबका। BMX है, गियर वाला नहीं, गियर वाली नहीं है। जेबली है, जेबली जेबली मॉन्स्टर भी मिल जाएंगे देखो। स्काई बैग्स भी है और प्लैटिनम क्या टॉमी हिलफिगर के भी हैं और माउंटेनियरिंग के लिए भी है। और देखो ऊपर देखो लेदर जैकेट्स। यहाँ पे ना सोच समझ के चलना क्योंकि लोग कभी भी पीक मार देते थे, ऐसा पीक मार देते मेरे आगे मार दी, जूते पे आने वाली थी, फोन में मेरा ध्यान था, पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है मेरा भी यार। युवराज भाई देख, हमारे व्यूअर्स को ना एक चीज दिखानी है मुझे। अब कोई भी पीक मारे ना तो उसको बोल दिया कि भाई अभी पीक मत मार, मेरी शर्ट पे मार दे, ठीक है? तो लोगों को पता चल जाएगा कि वो पीक मारते हैं। जो मोदी की नई क्या बहुत पुरानी है सफाई अभियान, जानते ही हो आप। हाँ सफाई अभियान से मतलब रिलेटेड हम ये भी प्रमोट कर रहे हैं कि अगर आपको पीक भी क्या कुछ कूड़ा उड़ा फेंक रहे हैं, लाओ हमें दे दो, हम अपनी जेब में रख लेंगे कूड़ा, अगर आपको पीक मारनी तो हमारे शर्ट में मार दो। पर रोड पे सफाई अभियान का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए अभियान। और मेरे पीछे है देखो रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। और देखो और दिखाता हूँ रेड फोर्ट, देखो रेड फोर्ट, देखो कौन से कलर का है बताओ, रेड कलर का है। तो भी शूज मिलते हैं, और ये जो है ना ये ना आपको बहुत, ये ना आपको बहुत सस्ता दे देंगे ये वाले, ये लोग जूते होते हैं क्योंकि पुलिस वाले ना आके मतलब इनसे हटवाते हैं, और जो उधर फुटपाथ पे होते हैं उनसे नहीं हटवाते, इनके हटवा देते हैं, और इनको ना जल्दी जल्दी बेचने होते हैं। और देखो कैसे देखो चुनिया रखी हुई, देखो देखो चुनियों के ऊपर जूते रखे हुए हैं इन्होंने, चुनियों पर इसलिए रखते हैं जैसे पुलिस वाले आए लट लेके बजाने आते हैं इनमें, वो ये बांधी इन्होंने और ये भगे। और ना इनकी ना स्पीड भी ना एथलेटिक से भी बहुत तेज होती है, जब देखा करो जब पुलिस वाले आए जो फ्लैश है ना उससे भी तेज भागते हैं। अभी रुक, अभी आने वाले पुलिस का टाइम होने वाला है, बस अभी जब इनमें लट पड़ेंगे ना देखना कैसे भागेंगे। देखो वो रहा जामा मस्जिद, आओ जामा मस्जिद चले, बता चले जामा मस्जिद भाई, बहुत रश हो रहा है उस तरफ। कोई बात नहीं आजा चलते हैं ना, पागल है क्या पार्किंग वाले ने भी। अबे उधर बहुत सी मार्केट है, आओ उधर चलते हैं, बहुत सी मार्केट है, चल जल्दी चल, भाग भाग भाग। देखो आपके लिए छोटी बोतल में एक्वेरियम भी है, एक्वेरियम में कितनी फिश है, एक दो छह फिश है, छह कितने का भाई, 250 का। रुक क्योंकि अगर आपके घर में कोई पीने वाला हुआ तो कोई मछली हो कोई ना पी रहे, पता चला मछलियों के पैक बन रहे हैं, खाने का चकना भी हो जाएगा। फ्राई फिश, फ्राई फिश, फिश भी मिल जाएगी। अब हम जा रहे हैं जामा मस्जिद की मार्केट में, उसके आगे जो है ना वो है टिपिकल चोर बाजार, और वहाँ मिलती है चोरी की चीजें, पता है वहाँ उल्टी चीजें भी मिल जाती है, ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है जैसे चश्मे पहनते हैं ना तो चश्मे की एक डंडी ये बिकती है उधर, और उसमें भी लोग 10 रुपए से 5 रुपए करवा के ही रहते हैं, और टी शर्ट की बाजू भी मिल जाती है। मैं ना आपको ना पैरेट वैरेट, अगर आपको बर्ड्स में इंटरेस्ट हो तो मैं आपको बर्ड्स भी दिखाता हूँ, पैरेट वैरेट आप आओ। ओए मिट्टू बोलियो, ये मिट्टू बोलता नहीं है, ये बोलता है मिट्टू बोलेगा, ये देखो ये आके देखो भाई, भैया फोटो मत खींचो भाई साहब, भैया फोटो। अभी ना पीछे एक वीडियो क्लिप शूट नहीं हो पाई क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे ना तो उनको गुस्सा आ गया, बोल रहे कि भाई वीडियो मत बनाओ, एक वीडियो बनाने का 1000 रुपए लूंगा ये वो, कह रहा नहीं नहीं कह रहा 500 रुपए लूंगा, मैंने कहा 1000 लियो, कह रहा था 1000 दे, मैंने कहा क्यों हम पागल दिख रहे हैं तेरे को 1000 रुपए देंगे क्या रहे पैसे यार भाई, फालतू में वो है अभी खुराक लेके मानता फिर वो। और पर ना आप मैं बता रहा हूँ अगर ना आप आओ तो मतलब लड़ना मत यार, लड़ाई वड़ाई ना बहुत बेकार चीज है यार। और यार ऐसा भी है यहाँ पे मतलब देखो जैसे ना ये उन्हीं का एरिया है, यहीं पे सारे रहते हैं, वो अभी खुराक दे देते इसको क्या होता है इसका चेहरे का मैप बिगड़ जाता है इसको, और क्या और चेहरे का मैप गूगल मैप पे देखना पड़ता गूगल का मैप गूगल मैप होती है ना, हम वहाँ पे आ गए
अगर आपको पुराने चोरी के लैपटॉप या ओवन वगैरह लेने हो ना, अब यार अंकल जी चुप भी हो जाओ, अगर आपको वो लेने हो ना ओवन वगैरह, तो ना आप यहाँ से ले सकते हो, चोरी के होते हैं। दिखाओ, मैं आपको तेरे को आपको पूरी क्लिप दिखाता हूँ। हाँ भाई, बहुत अच्छी फोटो आ रही है यार तेरी, क्या सही फोटो आ रही है इधर से, और भी अच्छी आ रही है। देखो ओवन देख लो भाई, हट जा, आ गई फोटो, नहीं देख रहा कोई। देखो ओवन देखो कितने सारे, ये देखो प्रोजेक्टर, म्यूजिक प्लेयर, लैपटॉप, और क्या है यहाँ पे, और पुरानी घड़ियाँ भाई, पुरानी घड़ियाँ। अबे पुरानी घड़ियाँ नहीं है, ये नहीं है, पुरानी घड़ियाँ। ये देखो इंडस्ट्रियल आइटम भी मिलते हैं, देखो कितने सारे, मोटर वगैरह भी मिलती हैं पुरानी। देखो ईयरफोन्स भी मिल रहे हैं यहाँ पे, हेडफोन्स भी है, और क्या, देखो मिक्सी है, और ये देखो प्रेस भी है इधर, आयरन भी है, स्केटिंग शूज, ये देखो स्केट्स भी है उधर, टाइपराइटर भी है, तबले, और ये देखो एसडी कार्ड, ये तो बेकार है। ये देखो बैटरी भी मिल रही है इधर, और ये देखो ग्राइंडर हथौड़ा, भाई ये वीडियो बनाते पकड़े गए ना, ये थोड़ा मार देंगे अंदर। बेटा तेरे भाई ने भी ना जिगरा है, अभी बता देगा, सीन कर देगा यार। डीओ भी मिल रहे हैं। अरे हाँ डीओ बड़े, कोट पैंट शादी के लिए, तुम्हें कोट पैंट चाहिए तो ले लो, शादी के लिए चाहिए कोट पैंट वो ले लो। देखो ईयरफोन्स, हेडफोन्स, पुराने स्वेटर पुराने, ये देखो यूज्ड स्वेटर्स भी है यहाँ पे, पुराने स्वेटर, ओम साईं। अबे हटाना, ये क्यों दिखा रहा है, बस यही है। और देखो शावर हेड्स भी है, देखो ये बड़े सस्ते मिल जाते हैं यार, वैसे 700-800 के मिलते हैं, 1000 से भी ऊपर मिल जाते हैं। और देखो ये है सारी चोरी की चीजें, ये देखो देख के पता चल रहा है कि यूज्ड है, मोटर वोटर, ये देखो सारी चोरी की है। ये ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी मत लेना यहाँ पे ना, बहुत ना लो क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं, और ना ये बहुत गंदे होते हैं। ये देखो हमारे पीछे, ये देखो वो, देखो वो रहे। अबे यार अंकल जी हट तो जाओ। हाँ वो देखो वो रहे, ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं, पर ना यहाँ से लो क्वालिटी है, लेना मत यहाँ से, सस्ते में और मिल जाएंगे बेकार में तुम्हारे। ये आ गए हम जामा मस्जिद के आगे, ये देखो गेट नंबर 2, और ये देखो जामा मस्जिद के आगे की मार्केट कैसी है, ये देखो। अबे यार यहाँ पे ना बिरयानी की बहुत सी खुशबू आ रही है, बिरयानी बहुत मिलती है। और बताओ ये ना एक ना हिस्टोरिकल प्लेस है, और फिर भी ना इसके सामने मार्केट भी, गांधी वांधी के कढ़ाई वाले बर्तन भी चाहिए होना तो आपको वो भी मिल जाएंगे। देखो साइड में ये देखो जामा मस्जिद के आगे, वो देखो मेरे पीछे जामा मस्जिद, आओ चलते हैं। तो मैं बैठा हूँ जामा मस्जिद के आगे, और यहाँ से ना यहाँ का चांदनी चौक का बहुत अच्छा व्यू दिख रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको। देखिए तो सारा वो है, हम ना जामा मस्जिद का ना हिडन मार्केट दिखाने वाले हैं, हिडन मार्केट। देखो मार्केट, देखो क्लोथिंग का पैरल भी है कितने सारे, तू अपनी शक्ल दिखा, सूट दिखा था, मैं सब इधर का भी ले रहा हूँ, इधर का भी। यहाँ पे ना ड्रेस भी मिलती है, शरारा वरारा ये सब भी मिलता है, और कई लेडीज पसंद है ना हमारे साथ, हमारी तरफ ना उंगली करते हुए ना दो बंदों ने, चुप रहे बोलो हमारी तरफ ना एक बंदे ने उंगली करते हुए बोला, देखो ये दो बंदे जा रहे हैं, इनका सीन खींच दो, यानी कि मतलब इनका ना, मतलब जो इन्हें ना लूट लो यहाँ पे। तो इस वजह से ना इस हिडन मार्केट में ज़्यादा ना भीड़ नहीं होती, देखो कोई मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं है, इस वजह से ना आप ना इस मार्केट में बहुत ना सोच समझ के आना। और यार हमारा सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं ना, तो कई लोग ना मना कर रहे हैं उसके लिए, और अभी हमारे पीछे ही पड़ गए थे कई लोग, पर कोई बात नहीं, मेरा काम है अपने व्यूअर्स को खुश करना, और अपने व्यूअर्स के लिए मैं आता हूँ। और हम ना एक बात और है, और ना हम तो डेयरिंग है ही, इस वजह से तो वीडियो बना रहे हैं, अगर डेयरिंग नहीं होती ना तो वीडियो बनाते ही नहीं हम ना, इस वजह से ना हम ज़्यादा ना डेयरिंग है, इस वजह से आपके लिए ना हम ना दूर दूर जाके मतलब ऐसे ऐसे मार्केटों में जाके वीडियो बनाते हैं। और पता है इन वर्षों मतलब हमारे पीछे ही आ रहा है शायद, देख रही हो? हाँ चले चल ओए, व्यूअर्स के बारे में गलत नहीं, ठीक है ना, व्यूअर्स हैं वो हमारे पे फेक वो कर रहे हैं, वो ट्रस्ट है उनका हमारे ऊपर। क्यों बोलता है इंग्लिश तू यार? लस्सी ना बहुत फेमस है यहाँ पे, लस्सी बड़ी टेस्टी होती है। ये बंदा सो रहा है, और मैं ना इसके साथ में आज ना एक प्रैंक करने वाला हूँ, इसे ना मतलब इतना गंदा डरा दूंगा ना, ये शायद हमारे पीछे मारने के लिए भी बग जाए, पर वी आर रेडी टू रन।
वे होता है ना उसको क्या कहते हैं, भूमिगत पैदल पार पथ। यार कितने बड़े बड़े नाम होते हैं, इसलिए यार इंग्लिश में याद रख लो, हिंदी में क्या करो क्या याद रख के ले गए यार भाई, 20 रुपए सवारी लगती है यार। रेड फोर्ट दिखाऊं मैं आपको, चलो देखो रेड फोर्ट, मजा आ गया आज रेड फोर्ट पे। आज ना मेरे को ना खुद ही ना अंदर से ना पेट्रियोटिज्म जग रहा है, अंदर से जग रहा है वर्ड। भाई सॉरी यार अगर तुम्हें बुरा लग रहा हो यार, क्योंकि ना मैं कभी कभी ना वर्ड ना वोकैबुलरी भूल जाता हूँ अपने वर्डों की, प्रोनाउंसिएशन में गलत हो जाता हूँ मैं कभी 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 प्रोनाउंसिएशन सॉरी प्रोनाउंसिएशन में ही कभी कभी गलत हो जाता हूँ, इसलिए ज्यादा दिल पे मत लेना, बाकी कहीं भी ले लेना बाकी कहीं भी। देखो रेड फोर्ट मेरे पीछे देखो, और बॉल कितने सही आ रहे हैं, बॉल उड़ रहे हैं। अबे रेड फोर्ट को रुक, अब बाल बुला लूँ मेरे। ये देखो रेड फोर्ट देखो कितना अच्छा लग रहा है, और कोई टिकट भी नहीं है इसकी, फ्री में है, ठीक है। और वो देखो इंडिया का फ्लैग, और चलते अबे चल रहा। आपने बहुत सुना है कि ना कि रेड फोर्ट के साइड में खाई है, मैं आपको ना खाई दिखाता हूँ, वहाँ कितनी छोटी कितनी गहरी खाई है भाई, बंदा डूब के मर जाएगा। देखो ये खाई है, बताओ इतना तो पक्का कोई बंदा पानी करके चला जाए ऊपर। 80-80 पैक यार, एक बात होता, मार्केट तो खत्म हो गई, अब क्या दिखाएं लोगों को, क्या बताएं यार। कुछ ना टिप्स दे देते हैं लोगों को, अपने व्यूअर्स को टिप्स दे देते हैं कि यहाँ पे आओ तो क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए आपको। जैसे एक मैं बताता हूँ, यहाँ पे सबसे पहली चीज तो जेब कतरे जो होते हैं ना, सावधान जेब कतरों से सावधान, ठीक है। और अगर आपकी कोई चीज चोरी हो जाए तो डरना मत कि यार चोरी हो गई, हम चिल्लाएंगे हल्ला करेंगे तो क्या होगा, मिलेगी तो वैसे भी नहीं, हल्ला कर देना। एक बार आप हल्ला कर दोगे ना कि यार चोरी हो गई यहाँ पे ये वो, तो जितने भी दुकान वाले होते हैं ना वो सब भी चिल्लाने लगे चोरी हो गई। और जो भी उनको अलग सा जिसपे भी वो होता है ना शक होता है ना, उसको पकड़ लेते हैं वो। और क्या होता है, और मैंने मतलब आपने यहाँ पे ना ज्यादा कैश मत लाओ, जितना आप में मतलब जितना आपकी जितना आपको परचेज करना है ना उसी हिसाब से कैश लेके आओ, ज्यादा कैश मत लेके आओ, क्योंकि यार यही एक बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है जेब कतरों से सावधान। हर एक मतलब मेट्रो स्टेशन में भी बोला जाता है कि जेब कतरों से सावधान, हर जगह पे बोला जाता है आजकल जेब कतरों से सावधान। इस वजह से ना ज्यादा कैश मत लेके आओ अपने पास, जितना तुम्हारे लिए सफिशियंट है ना उतना ही लेके आओ कैश। और क्या थे, और यहाँ पे ना मतलब ना अपना एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे ना 30% शॉप्स है जो कि मतलब बार्गेनिंग करने से कम कर लेंगे, नहीं तो 70% शॉप्स है जहाँ पे 30% नहीं, रुक मैं बताता हूँ, जिनमें सेल है, जो जिन्होंने सेल लगा रखा है, वही मैं कह रहा हूँ कि 70% सेल्स है, वो तो किसी हालत में कम नहीं करेंगे सेल वाले, जैसे 100 रुपए की है 200 रुपए की है, वो तो किसी हालत में कम नहीं करेंगे। पर जो बताए ना जिनके पास बहुत सारे शूज होते हैं है ना, वो तो पक्का कम कर देंगे, वो बताएंगे ये सर रेट 2000 का। और अगर आपको वही शू फुटपाथ पे मिल रहा है और वैसे ही कोई मतलब अच्छा दिखने वाला शू आपको रोड पे मिल रहा है ना, रोड पे जैसे मैंने दिखाया अभी, कई लोग लगा के बैठे रहते हैं रोड पे मिल रहा है ना, तो उससे ले लेना आप, क्योंकि उनको ना डर होता है कि यार पुलिस वाले आएंगे अभी बजाने लग जाएंगे हमें तो क्या होगा, और उनको ना बेचना ही होता है। अगर पुलिस वाले आ रहे होंगे उनको पता नहीं होगा आप ले रहे हो, उन्होंने बोल दिया कि यार 5000 का, बोले यार 5000 तो ज़्यादा ही है यार, 5000 कहाँ से दे देंगे, और फिर ना वो ना ऐसे बोलेंगे चलो ठीक है 4.5 कर देंगे, लेकिन जब पुलिस वाले आ रहे होंगे भैया लाओ 50 रुपए लाओ और ये लो ले जाओ, और मतलब और चुन्नी उन्नी उठा के भाग लेते हैं, और स्पीड उनकी इतनी तेज, हुसैन बोल्ट फेल, हां हुसैन बोल्ट फेल उस टाइम पे, नहीं तो हुसैन बोल्ट है, हुसैन बोल्ट है। और ये बताऊं मैं आपको, और ना मैं आपको एक चीज और दिखाने जा रहा हूं, देखो हमारे पीछे क्या है, हाँ हमारे पीछे दिखाता हूँ मैं आपको, हम तो ऑटो में बैठ के ऐसी बात कर रहे थे, ऐसे ऑटो में आप बैठ जाओ कोई मना नहीं करता। ये देखो ऑटो के पीछे दिखाता हूँ मैं क्या है, ये है मेरे पीछे रेड फोर्ट, अभी रेड फोर्ट हम घूम के आए थे, आपने देखा है अभी रेड फोर्ट के अंदर नहीं गए, बाहर से ही घूम के आए थे यार, ठीक है। और क्या बताऊँ, और प्लीज मेन गेट से जाना, कहीं नीचे से मत निकल के चले जाना, मार बहुत लगेगी बेटा नीचे, क्योंकि मेन गेट पे यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ से देखो निकल भी सकते हैं, वो निकल के निकलिए चलते चलो ओके, और चलो ओके बाय, चलो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब, और ना आगे बहुत ही पहाड़ वाले ब्लॉग्स आने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको, देखते रहना आप, तो प्लीज सब्सक्राइब, फिर से कह रहा हूँ यार सब्सक्राइब कर लेना, और ना भाई गरीब की दुआ लगेगी यार, और क्या यार गरीब को तुम वो कर दोगे, थैंक यू।